लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष द्विवेदी, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पारित किए गए नागरिक संशोधन बिल का पूरे देश भर में कड़ा विरोध हो रहा है। सभी धर्म के लोग भी सामने आकर उसे गलत निर्णय बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी एनआरसी को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर उसे वापस लेने की मांग की जा रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के पार्टी छोड़ने वाले बयान के बाद अब कार्यवाहक जिला अध्यक्ष आसिफ जकी ने भी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। दिल्ली में होने वाले कांग्रेस के बड़े आयोजन में शामिल होने जाने से पहले एनआरसी के विरोध में भोपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष आसिफ जकी ने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर एनआरसी लागू होती है तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि वह पहले एक मुस्लिम है फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी के आह्वान पर वह कई कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली रवाना हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। हमारे प्रदेश के अशरफी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी सोनिया जी से चर्चा करेंगे और उसके बाद जो फैसला करेंगे उस फैसले को हम सबको मानना होगा। लेकिन मेरा खुद का ये बयान है कि मैं पहले एक मुसलमान हूँ, उसके बाद जो है मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, और अगर मेरे धर्म के लोगों के साथ जो संविधान में अधिकार मुस्लिम समाज के लोगों को दिए हैं उस पर लगातार कुठाराघात होगी और कांग्रेस पार्टी यदि उसको जो है लड़ेगी नहीं तो मैं कांग्रेस पार्टी का विरोध न करते हुए चुपचाप अपने घर पे अपने सभी पदों से इस्तीफा देकर अपने घर पे बैठूंगा। सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ता भोपाल के जिस प्रकार से हमारे ऑब्जर्वर ने घोषणा की थी और हमें याद ही दिया था कि हर विधानसभा से लगभग 200 लोग जाएंगे, उसका पूर्णतः पालन किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता जो है 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में स्टेशन पहुंच जाएंगे। सभी को डायरेक्ट स्टेशन पर बुलाया है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियों के जो नीतियां हैं जो जन विरोधी नीति हैं उसके विरोध में सोनिया जी के आह्वान पर हमारी कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया जी उनके आह्वान पर ये रैली आयोजित है और मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा संख्या में इस रैली के अंदर इस प्रदर्शन में जो दिल्ली में रामलीला मैदान पर आयोजित है इसमें अपने मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा भागीदारी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमारे प्रदेश के अशरफी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने 24 डिब्बों की एक नई ट्रेन जो है स्पेशल ट्रेन के नाम से 4 बजे जो है वो हबीबगंज स्टेशन से जाएगी, जिसमें भोपाल सहित जो है रायसेन, विदिशा, सीहोर और बीना के कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठेंगे। देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।